हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है और फिर ऊपर सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर टाइप करना है रीसेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे, तो अब रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या होगा, मोबाइल की पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी और इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा। और अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो वो भी सही हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड जो भी रहेगा उसे डालकर ओके कर देना है। इतना करने के बाद बैक आना है होम स्क्रीन पर। अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करना है। तो कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो मोबाइल का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक करना है और फिर से जैसे ही क्लिक कर देंगे तो मोबाइल अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा और इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी, फिर फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो गाइस इस तरीके सही कर सकते हैं। अगर फिर भी सही नहीं होगा तो फिर जो मोबाइल के चार्जर का डाटा केबल होता है उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करना, किसी दूसरे डाटा केबल को एक बार लगा कर चार्ज करना अपने फ़ोन को, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि डाटा केबल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और गाइस कभी कभी क्या होता है, मोबाइल की जो चार्जिंग पिन होती है उसमें धूल मिट्टी चली जाती है तो भी फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तो आप उसे देख कर अच्छे तरीके साफ़ कर लेना। तो इन तरीकों की मदद से आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं और प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।